तो सारे मेहमान खाना खा चुके हैं और लड़के के ससुराल वाले आ रहे हैं आज। ये देखिए गाइस, अलग अलग फ्लेवर में इनके पास आइसक्रीम है। आगे मैं आपको दिखाती हूँ दो सवारियाँ किस अजीब तरीके से बैठी हुई है। मैम मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। फाइटिंग लाइफ फाइटिंग चल रही है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एन अदर व्लॉग। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, तकरीबन 2 महीने बाद हम व्लॉग बनाने लगे हैं। वो इसलिए क्योंकि मेरी कुछ तबीयत ख़राब थी और शॉर्ट में हमने बता दिया था कि हम बहुत जल्द बनने वाले हैं पेरेंट्स। तो आप लोगों के साथ व्लॉग इस वजह से शेयर नहीं किया क्योंकि तबीयत अपसेट थी और मेरे हस्बैंड बिजी थे, तो इस वजह से कोई व्लॉग बना ही नहीं सका। तो अब आप हमें कमेंट में मुबारकबाद दे सकते हैं क्योंकि आज मेरी तबीयत थोड़ी सी बेहतर थी और आज आ रहे हैं मेरे नंद के ससुराल वाले। तो बस इन्हीं तैयारियों में लगे हैं और अभी तक ये लड़कियाँ सो रही हैं। इन्होंने करना था बहुत ज़्यादा मामा के साथ काम लेकिन इनको कोई होश नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटी वाली लड़की दिखा दूँ जो कि अभी तक सो रही है, फिर मामा के पास बैठ चलेंगे और देखेंगे उन्होंने क्या तैयारी की है मेहमानों के लिए। ये देखें यहाँ पे अभी तक इन्होंने बिस्तर भी नहीं उठाए हैं। ये सो रही है हमारी अबीहा, ठीक है। और अबीहा के बाद ये सोफ़ा मला हुआ इस लड़की ने, इसको आप जानते हैं नहीं जानते, थोड़ी सी पागल लग रही है फिल वक्त, बाद में इसकी शक्ल भी दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कस्टर्ड। तो ये देखें हम सोए थे सुबह सुबह, मामा ने कस्टर्ड बनाया और बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है और ये मैंगो का सारा। देखें मैं कितने दिन बाद व्लॉग बना रही हूँ। ये बना रहे हैं हम कीमा। हाँ कीमा, और फिर क्या करना है कीमे का? कीमे के बनाएंगे हम कोफ्ते, कोफ्ता बिरयानी, ठीक है। और मैं अब ला रही हूँ अपनी नंद को, कह रही है थोड़ा सा मैं थोड़ा नहीं लाऊंगी। हाँ और आज तो तुम्हारी एनिवर्सरी भी है, हैप्पी एनिवर्सरी, थैंक यू। ये देखें ये अभी वॉशरूम से आई है और ये मुंह छुपाने भी लग गई है। और इस लड़की के ससुराल वाले आ रहे हैं आज, लेकिन इसने भर भर के तेल लगाया हुआ है। अब ये कह रही है पहले मैं नहाऊंगी, मैं तैयार होंगी फिर मैं कैमरे के सामने आऊंगी। हम फ्रिज में रखने लगे हैं, चलो अभी बिस्मिल्लाह। हाँ 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 बहुत भारी है, बिस्मिल्लाह। चलो जी अब हमने इसको यहाँ पे रख दिया और ये ठंडा हो जाएगा। अब ये हमारा नाश्ता हो रहा है और नाश्ता ये देखिए अब हमने नाश्ता करना है, चाय रख दिया ये रोटियाँ। अच्छा तो गाइज़ इनका तो मुझे पता नहीं है, सब अपने अपने कामों में लगे हैं। मैंने सोचा मैं ज़रा थोड़ा बहुत तैयार हो जाऊँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपनी थोड़ी बहुत आंखें भी बना ली हैं। ये देखें आज मैंने पता नहीं कितने महीने बाद आईलाइनर लगाया है और कमरे की हो रही है सफाई, वो भी मैं आपको दिखा दूँ। और बाहर प्याज कट रहा है और आँखों में जा रहा है, बहुत रोने वाला माहौल बन गया है। अब मैं आपको दिखाऊँ सफाई, ये देखें ये हो रहा है कमरा साफ। बारिश लाड़े बारिश लाड़े बारिश लाड़े पड़े हैं। गाइस मैं हो गई हूँ तैयार और पीछे चल रहा है काम और बोली जा रहे हैं इनको क्या कहना। पाकिस्तानी लोग ऐसे होते हैं, इनको नहीं पता होता कैमरा ऑन है नहीं ऑन ही बोली जाते हैं। कोई बात नहीं, इनको भी हम लेकर आते हैं अपने ब्लॉग में। कैसे आप? और आपको पता ही है कि हम काफ़ी गेरवा भी लोगों में आए हैं और इंशाल्लाह आपने हम लोगों को जरूर सपोर्ट करना है। दोबारा से हम इंशाल्लाह आपको डेली बेसिस पे मिलेंगे, बिल्कुल। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। वाह ये देखिए अभी तक काम हो रहा है, मेहमान आने वाले हैं, 6:30 हो गया, मैं तो आके बैठ गई हूँ और काम अभी तक हुआ नहीं है। खाने की तैयारियाँ चल रही हैं। अच्छा चले मैं आपको कोफ्ते भी दिखाती हूँ। कोफ्तों पर बड़ी मेहनत हो रही है गाइस, ये देखें ये रहे कोफ्ते, ये बनानी है कोफ्ता बिरयानी। और कितने प्यारे लग रहे हैं और ये कोफ्ता बिरयानी बननी है, ठीक है जब बनेंगे मैं तब भी आपको दिखाऊंगी। और ये एमू आई हुई है और एमू हाय कर रही है दोनों हैंड से, बाय नहीं हाय हाय करो बाय नहीं हाय। किचन में आ गए सीक्रेट पर्ची है। अच्छा इधर भी बन रहा है कोरमा, गाइस इस तरफ कोरमा बन रहा है और इस तरफ ये जो है ना कोफ्ते हमारे रेडी हो रहे हैं क्योंकि हम इनको चावलों में ऐड करके तो कोफ्ता बिरयानी रेडी करनी है। देखिए अभी किचन में बहुत सारा बुरा हाल है, हम क्लीन करते हैं अभी ठहर के, तब तक हमारा खाना खाना बन जाए।
तो मेहमान हमारे आ चुके हैं और चक्कर भी आ रहे हैं थोड़े थोड़े और ये एक गेस्ट मेरे पास बैठे हैं तैयार शर हो के। आप लोगों को लग रहा है मैं तैयार हूँ? तैयार श्यार नहीं हूँ मैं, बस ऐसे ही बस कपड़े पहने हैं, पेंट शर्ट ही पहनी है, तो बस ये देखो बाल भी बिखरे हुए हैं सारे। बिखरे नहीं है, बाल आपके गीले बिखरे हुए हैं, विग लग रही है ऐसा लग रहा है विग लगी हुई है। हमारा खाना शाना बन गया, भाभी और मरियम ने बहुत काम किया है, इन्होंने पूरा किचन संभाला हुआ था और अब देखे भाभी एक बहुत अहम तरीन काम कर रही है। ये मरियम तो यहाँ पे हो रहा है सूट प्रेस, ठीक है, कह रही है कब मैं भी तैयार शहर जरा हो जाऊँ, मेरा मुलाजमो वाला हुलिया अच्छा नहीं लग रहा। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो फिर इसके बाद हम लगाते हैं खाना और फिर आप लोगों से करते हैं मुलाकात। अब जैसे कि किचन हमारा सारा नीट हो चुका है, ये हो रहे हैं कबाब फ्राई और ये फ्राई हो रहे हैं, उसके बाद ये चावल को दम लगा हुआ है और ये सालन है कौरमा, बहुत ही मज़ेदार था। और मेरी आवाज़ नहीं चला, मेरा गला खराब है। ओके अब ये सारा कुछ हो जाएगा और फिर डन। इसके देखें आप, यहाँ पे दोनों भाई इकट्ठे बैठे हैं, इनकी आज सुलह सफाई है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो हम लोग कर रहे हैं खाने का वेट और बाकी खवातीन किचन में वो खाना डाल रही हैं और हम यहाँ कर रहे हैं खाने का वेट और इनको फोन से फुर्सत नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे कि कॉल सेंटर पे जॉब करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मज़ेदार सी बिरयानी, कोफ्ता बिरयानी है। हाँ सही है। और फिर मज़ा आया आपको काम करके? सही है, गुड हो गया। तो सियासतदान बैठे हुए हैं, कौन सी गुफ्तगू हो रही हैं? एक चश्मिश, तीनों चश्मिश हैं, मुझे निकाल दो, तीनों चश्मिश हैं। हाँ जी, तीसरे आप ही हैं। तो दोनों चश्मिश हैं? दोनों नहीं है, तीनों ही हैं। तीनों ही हैं, चौथा मैं भी हूँ। मैंने चश्मिश हूँ, मैंने अपना आप कोफ्ता बिरयानी, सालन चिकन का, उसके बाद ये कोफ्ते, रायता, सलाद फ्रिज में है, उसके बाद बाकी आइटम्स आ रही हैं। ये देखिए गाइस, मुझे बहुत ये फूड रहा है, वो सारे मेहमान खाना खा चुके हैं और अब बारी है जूनियर्स की, जो किचन टीम थी ना हमारी, वो खाना खाने लगी है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन बैठा है और क्या कहते हैं हम क्या कुछ खाने लगे हैं। ये देखें गाइस, इनको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, कब से वेट कर रहे थे कि पहले मेहमान खा ले, क्योंकि मेहमानों को देते हैं ऑनर, पहले मेहमान खाते हैं उसके बाद घर वाले। मैं क्या खाऊँ मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन मैं ये खाऊँगी, शोरमा बड़ा टेस्ट है बना रहे मेरी अम्मी। मज़ा आ रहा है। मेहमान हमारे जा चुके हैं, 1:30 बज गया, रात का खाना भी हमने खा लिया था। पहले हमारा प्लान बना गया हम चाय पीने चलते हैं बाहर, फिर याद आया गर्मी बहुत है तो हमने अपना प्लान कर लिया चेंज, अब हम जा रहे हैं चमन आइसक्रीम खाने, तो बस निकलते हैं। हाँ जी, निकले नहीं अभी तक, वो है आगे आगे हैं, चले फिर चले। तो गाइस, हम सफ़र में निकल पड़े और आगे मैं आपको दिखाती हूँ दो सवारियाँ किस अजीब तरीके से बैठी हुई हैं। ये देखिए बाइक पे बैठने के, ये अनोखा स्टाइल, अभी अभी याद हुआ है। एक की टांगे इधर। अच्छा, तो हम आ गए अब चमन आइसक्रीम, आप लोगों ने नहीं होगा चमन आइसक्रीम का, तो ये बहुत अच्छी यहाँ पर इनकी आइसक्रीम है, तो थोड़ा सा आपको विजिट भी करवाता हूँ। ये देखिए गाइस, अलग अलग फ्लेवर में इनके पास आइसक्रीम है। आइसक्रीम हमने खा ली थी, उसके बाद हम गोलगप्पे ढूंढते हैं। आप देख रहे हैं अंधेरा इस वजह से आ रहा है क्योंकि दुकान हो रही है बंद, लेकिन फिर भी हमें गोलगप्पे मिल गए हैं, अब हम खा लें और फिर हम घर के लिए निकलते हैं। सामने नहीं आ सकते गाइस, सॉरी अंधेरा बहुत है। अब हम रुके हैं पापा कुल्फी खाने के लिए और यहाँ पे गुब्बारे बेचने वाली आ गई। क्या मैम, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं कुल्फी छोटे बच्चे, तो हम क्या करें, ले लें
गाइस अब हम घर आ गए हैं, खा पी लिया है, गेस्ट वगैरह भी चले गए हैं। अब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, काफ़ी थक भी गए हैं हम, कपड़े शपड़े चेंज कर लिए हैं, अब सोने की तैयारी करने लगे हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।